बिहार क्रिकेट बोर्ड ने बिहार के 13 जिलों के विवादित कमेटी पर स्पष्ट निर्देश देते हुए सूची प्रकाशित कर दी है, जिसके मुताबिक पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष राजेश बैठा और कन्वेनर हरिओम झा बनाए गए हैं। एक प्रेस वार्ता के दरमियान राजेश बैठा और कमेटी के लोगों ने बताया कि बीसीसीआई के निर्देश के मुताबिक बहुत जल्द चुनाव करा लिया जाएगा। इस दरमियान राजेश बैठा ने कहा कि पूर्णिया में खिलाड़ी को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, जो जिला क्रिकेट संगठन के माध्यम से आएंगे वही आगे बढ़ सकते हैं। हेमचंद सिरोही चुनाव पदाधिकारी बीसीए के आदेश दिनांक 13/9/2019 तथा श्रीमती मीरा पांडे चुनाव अधिक पदाधिकारी बीसीए के आदेश दिनांक 21/9/2019 द्वारा निर्गत वोटर लिस्ट में प्रकाशित जिला संघ के पदाधिकारियों को अपने अपने संबंधित जिलों में क्रिकेट की गतिविधियां संचालित करने, टीमों के चयन प्रक्रिया, गठन तथा अन्य समुचित गतिविधियां करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसका उल्लेख अधिकार संविधान में है, ये आदेश निकला। पूर्णिया में अभी तत्काल एडहॉक कमेटी है, एडहॉक कमेटी के चेयरमैन राजेश कुमार बैठा, मैं खुद हूँ, हमारे कन्वेनर श्री हरिओम झा जी हैं, सदस्य में हमारे अंबुज कुमार सिंह हैं, जितेंद्र कुमार सिन्हा हैं और नंद किशोर सिंह हैं। वो यही समझ रहे हैं कि जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था वही वैध है और वो लगातार वो अपना ही संस्था चलाते चले आ रहे हैं। हमने बार बार उनसे आग्रह किया है कि आप एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं, मैंने कन्वेनर हैं, आप आइए हम लोग के साथ मिल के कार्य कीजिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं तो उसमें मेरी कोई उस टीम के माध्यम से जो भी खिलाड़ी जाएंगे तो उनको आगे मौका मिल पाएगा जी? नहीं, जो हमारे लीग में खेलेंगे बस उसी को मौका मिलेगा।